भगवान नरसिंह की कथा आप में से लगभग सभी लोग जानते होंगे और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो भगवान नरसिंह और भगवान शरभ के बीच में हुए युद्ध की कथा भी जानते हों, परंतु आप में से बहुत कम लोग होंगे जो प्रत्यंगिरा देवी के बारे में जानते हों, जिन्हें की निकुंभला देवी भी कहा जाता है, और इनका भगवान नरसिंह से और भगवान शरभ से क्या संबंध है। इन सब कथाओं के निचोड़ को आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। राक्षसराज रावण की कुलदेवी थी निकुंभला देवी। हमने रामायण में भी देखा है कि मेघनाथ युद्ध में जाने से पहले निकुंभला देवी की पूजा करता था और उन्हीं के आशीर्वाद के स्वरूप वह इतना अधिक शक्तिशाली था। कथा के अनुसार जब हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से पूरी धरती पर त्राही त्राही फैल गई थी, तब हिरण्यकश्यपु के घर ही भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी की भक्ति से हिरण्यकश्यपु मन ही मन बड़ा जलन का भाव रखता और जैसे जैसे प्रहलाद बड़े होते गए, हिरण्यकश्यपु प्रत्यक्ष रूप से भी उन्हें मारने का प्रयत्न करने लगा, परंतु फिर भी प्रहलाद जी की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। कहते हैं कि एक बार दरबार में प्रहलाद जी ने अपने पिता को भगवान विष्णु के बारे में उपदेश दिया। तब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि क्या तुम्हारा भगवान, जो कि सर्वव्यापी है, वह इस खंभे से बाहर आ सकता है, इस खंभे से प्रकट हो सकता है? और हिरण्यकश्यपु का ऐसा वरदान था कि उसे कोई भी मनुष्य नहीं मार सकता, कोई भी जानवर नहीं मार सकता, न तो उसे घर के अंदर मारा जा सकता है, न तो बाहर मारा जा सकता है, न तो सुबह में, न तो शाम में, और इस प्रकार की तमाम चीजें थीं। तब भगवान ने अपनी माया दिखाते हुए अपने भक्त की रक्षा के लिए खंभे को फाड़ करके अपने नरसिंह अवतार को प्रकट किया। न तो वे मनुष्य थे, न ही वे जानवर थे, और उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अपनी जांघा पर रख लिया और चौकट पर खड़े होकर के, यानी कि न तो घर के बाहर, न तो घर के अंदर, बीच में चौकट पर, शाम के समय, न तो रात थी न तो दिन था, उसका वध कर दिया। और वध भी किया तो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, बल्कि अपने नाखूनों से उसे दो भागों में चीर दिया था। भगवान विष्णु का यह नरसिंह अवतार क्रोध से भरा हुआ था और इसीलिए जब हिरण्यकश्यपु का वध उन्होंने कर दिया, तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और वे तांडव मचाने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगा और यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तब देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना किया कि केवल आप ही वे हैं जो कि भगवान नरसिंह के क्रोध को शांत कर सकते हैं। तब भगवान शिव ने शरभ अवतार ग्रहण किया, जिसमें कि उनका शरीर आधा पक्षी का और आधा शेर का था। भगवान शिव शरभ अवतार में नरसिंह भगवान के पास गए और उनसे शांत होने की विनती करने लगे, परंतु क्रोध में भरे हुए नरसिंह भगवान शांत होने की बजाय भगवान शरभ से युद्ध कर बैठे। और यह हरि और हर, यानी कि शिवजी और विष्णु जी का युद्ध अनंत कालों तक चलने वाला था। इस युद्ध में कोई भी निर्णय आ पाना असंभव था, क्योंकि जब दो अनंत मिलते हैं तो अनंत ही निर्मित होता है, उसकी कोई परिणति नहीं होती। ऐसे में दुनिया एक दूसरे संकट में फंस गई। दोनों ही पालनकर्ता और संहारकर्ता देव आपस में युद्ध में ही उलझे हुए थे। तब देवताओं ने परम शक्ति माँ आदि भवानी का स्मरण किया और कहा कि केवल आप में ही वह शक्ति है जो आप इन दोनों देवताओं को रोक सकती हैं। देवताओं के आग्रह पर माँ परम शक्ति दुर्गा ने अपना एक रूप लिया और यह रूप था प्रत्यंगिरा देवी का रूप, जिसमें कि उनका सर सिंह का था और शरीर मानवी का था। वे क्रोध में भरी हुई वहां पर गई और चूंकि वे योग निद्रा की देवी थी, केवल उन्हीं में ऐसी शक्ति थी कि वे देवताओं को रोक सकें। वे वहां पर गईं जहां पर कि भगवान शरभ और नरसिंह भगवान युद्ध कर रहे थे। वहां जाकर उन्होंने केवल एक हुंकार किया और उनके एक हुंकार मात्र से ही वे दोनों, यानी कि भगवान शरभ और भगवान नरसिंह, स्तब्ध रह गए। और उसके बाद उन्होंने उन दोनों को शांत कराया और मां प्रत्यंगिरा देवी ही श्रीलंका में निकुंभला देवी के नाम से जानी जाती हैं, और यही निकुंभला देवी राक्षस राज रावण की कुल देवी बनी। और चूंकि प्रत्यंगिरा देवी माँ भवानी की रूप थी, जो कि भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में भी जानी जाती हैं, इसीलिए प्रत्यंगिरा देवी के अवतार के रूप में उन्होंने भगवान शरभ का वर्णन किया और वे भगवान शरभ की शक्ति के रूप में, उनकी पत्नी के रूप में जानी जाती हैं, पूजी जाती हैं। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। कैसी लगी हमारी प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।